अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाजीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। नाजिया और जुहैब हसन का इधर सॉन्ग था, ये एंड वाला जो था कि मुझे याद है पाकिस्तान टेलीविज़न पे जब ये सॉन्ग आता था तो हम इतना इसको इमिटेट करते थे कि ये वाला स्टेप बड़ा ज़बरदस्त है। सो ये ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि हर एक को अपने पास्ट में नॉस्टैल्जिक कर देते हैं। सो आज का शो स्टार्ट हो गया, आप सबको वंस अगेन सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, उठ जाएं, जाग जाएं पाकिस्तान। बाहर का मौसम इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है नाज़रीन, देखें बाहर कौन है। बाहर हमारा जो खैबर टीवी का मॉर्निंग शो है, उनकी जो हमारी प्यारी होस्ट है मजबीन एहसन, वो बाहर से शुरू, ये देखें ये वो शुरू कर रही हैं अपना शो, ये मैं यहाँ से अपना शो शुरू कर रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ से वो शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन के इत्तेफाक है। आज बाहर का मौसम जो है अबर आलूद है और किसी टाइम पे भी बारिश हो सकती है, और फिर जो सर्दी जा रही थी वो एकदम से वापस आ गई है। सो आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, सर्दी का भी, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल ये टाइम्स होते हैं जब एक मौसम जा रहा होता है दूसरा आ रहा होता है, तो होता है कि जी एकदम से गर्म कपड़े अंदर रख दिए आपने बगैर सॉक्स के, बगैर उसके जो है इस टाइम पर लोग बीमार होते हैं, क्योंकि आप समझ लेते हैं कि अब मौसम ख़त्म है, लेकिन टिल दी एंड जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि सर्दियां चली गई हैं तब तक अपने आप को गर्म रखें। बिकॉज़ अब मैंने देखा एक को छोड़ के दूसरा इंसान जो है वो ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, इसमें वायरल जो एक कहते हैं इस वक्त फैला हुआ है। तो एक तो ख्याल रखें, मास्क अभी भी पहना करें जब आप क्राउड्स में जाते हैं, क्योंकि क्या पता आप वहाँ से वो जर्म्स लेके आएँ फिर घर, और घर वालों को भी जो है ज़ुकाम बुखार, क्योंकि ज़ुकाम बुखार जो है वो एक दफ़ा हो जाए तो एटलीस्ट पूरे 7 दिन लगते हैं उसको दोबारा से ठीक होने में। सो आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल एंड हैप्पी। नाज़रीन आज का ड्रेस आपको पहले दिखाती हूँ, लेकिन आज मैचिंग बहुत है, मेहरून, लोग मरून को मेहरून भी कहते हैं ना, तो मरून ये मेरा बड़ा है। मैंने कहा जाते सर्दियाँ जाते आते एक दफ़ा फिर पहन लूँ इसको, और सूट भी आपको दिखाऊँगी, बड़े कोई मैचिंग हो गई है इत्तेफाक से, शूज़ साथ में, ये जो मेरा फ्लेयर ये देखें। बताती हूँ अभी आपको, इस सूट की भी एक बड़ी हिस्ट्री है। आज का सवाल सबसे पहले आप सुन लें कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है, कॉल करके आप बता सकते हैं 0514102357 पे। उसके अलावा आज मेहमान हमारे हैं नबील असगर, सॉरी नाज़रीन उर्दू जो जिसने भी लिखी है बड़ी खूबसूरत उर्दू है, खूबसूरत, किसने लिखी, हाफिज़ साहब ने लिखी, ओह अब ये जो नुक्ते हैं ये अगर गलत हो गए तो आई एम सॉरी। एक्टर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, और गाजिया रुबाब हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और एजुकेशनिस्ट हैं और हैं इन्फ्लुएंसर। अब यार उर्दू में इन्फ्लुएंसर लिखा तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। तो अच्छा दोनों के आपको शोरीज़ भी दिखाएंगे, और नबील जो है उनका सॉन्ग भी है वो भी आपको सुनाना है। और आज एक कलाम है सनम मारवी का जो बड़ा ज़बरदस्त है, वो आपको सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी, ए खुदा। और लाइव कॉल जैसे कि मैंने आपसे कहा 0514102357 पे आप कर सकते हैं, और क्योंकि प्रोग्राम शुरू होता है तो मम्मी का गेट पे कॉल आ गया, बिग किधर हो, मैंने कहा मामा अभी 10 मिनट रह गए प्रोग्राम में, तो मम्मी जी अल्लाह सॉरी अस्सलाम वालेकुम, मामा जी क्या हाल चाल हैं आपके, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप, फर्स्ट क्लास है, और अपना सेहत का ख्याल रख रही है। नाज़रीन हमने CCTV कैमराज की बड़ा मज़ा आता है, देख रही होती है मम्मी कभी बैठ, और उसमें साउंड भी आया तो क्या ही मज़ा है, अब वो बातें चल रही होती है सब सुनाई दे रहा होता है, तो मैं उनको चेकिंग कर रही होती हूँ कि क्या हो रहा है। और साथ में दारवाजन और बारवाजन को मेरा ख़ास सलाम, नाज़रीन दारवाजन भी बहुत, दोनों जो है पोलिटिकली इतने अवेयर हैं कि इतने फासले पर TV हैं दोनों के, लेकिन दोनों एक दूसरे को फलाना प्रोग्राम लगाओ, दारवाजन ऑल इज़ वेल और बारवाजन ऑल इज़ वेल, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। एंड नाज़रीन हमारे घर में वर्क फोर्स भी है, उनको वो बड़े शौक़ से शो देखते हैं, तो सबसे पहले प्यारे सी अज़ीज़, ये चीज़ मेरे अज़ीज़ एंड दिलावर को भी मेरा ख़ास ख़ास सलाम, एंड रोमा एंड रुबीना को भी मेरा ख़ास सलाम। तो हमारी वर्क फोर्स भी है, साथ में गपशप भी लगती है, मम्मी के बड़े कॉन्फिडेंट्स हैं स्पेशली दिलावर और अज़ीज़ जो हैं, और बाकी दो रुबीना और रोमा भी। सो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत पज़ीराई देते हैं, कॉल्स करते हैं, कोशिश करते हैं कॉल्स करने की, मुझे बड़ा दिल को एक तसल्ली और सुकून मिलता है, बहुत शुक्रिया। आज दाल मुर्गी बन रही है,
अब आप कहेंगे दाल गोश्त तो सुना है लेकिन दाल मुर्गी क्या है? दाल मुर्गी जो है, अगर आप गोश्त ऑब्वियसली अभी भी लोग कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं मुर्गी जो कि बहुत महंगी हो गई है, तो गोश्त इसी तरीके से आप गोश्त भी डाल सकते हैं जिसमें मटन है और बीफ है। लेकिन दाल मुर्गी मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है, तो कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है जो कि टाइम से पक भी जाए और फिर मेहमान टेस्ट भी कर लें। दाल मुर्गी है, सना ने ओकाड़ा से कॉल करके फरमाइश की थी आज से 3-4 हफ्ते पहले, तो आई होप वो देख रही हैं, तो उनकी फरमाइश पे आज दाल मुर्गी बन रहा है। अब आपको मैं दिखाती हूँ सीट। मम्मी तो परेशान हो जाएंगी। इस दफ़ा नाजीन जब मैं गई थी अपने कराची ट्रिप पे, तो मैं वहाँ से लेके आई, फिर मैंने इसको ड्राई क्लीन कराया और ये देखे, क्या मैं बताऊँ, या ये एक मेरा बड़ा फेवरेट होता था। और लाहौर की जो कलेक्शन होती है ना कपड़ों की, जो लाहौर में जिस ब्रांड के आप कपड़े लेते हैं और वो लाहौर में से, ये मैंने लाहौर से लिया था जनरेशन से। आप ज़रा देखिए कि ये अभी तक कितना खूबसूरत है। ये देखें, ये कॉटन है, इट्स रियली रियली गुड प्योर कॉटन। थोड़ा सा चुड़मुड़ हो गया, अब दिखाएं ज़रा सजाद। ये देखें, कितना खूबसूरत इसका गला भी है, गले के ऊपर काम हुआ हुआ है। तो मैं कराची गई इस दफ़ा, तो मैं अपने चीज़ें देखती हूँ, अपना जो मेरा रूम है उसमें मैं नॉस्टैल्जिया होता है, फिर मैं चीज़ें देखती हूँ, उफ ये सूट भी निकल आया, वो सूट भी निकल आया, तो फिर वापसी में मैं जाती बगैर बैग के, वापसी में मेरा एक सूट केस आ जाता है, तो उसमें से ये निकला। और मैं कह रही थी कि अगर ये मैं, मुझे याद नहीं था, लेकिन जब याद आया तो मेरे लिए तो ये नया का नया। अब आप देखें कि ये मरून और मस्टर्ड है कलर, और इसके कितनी खूबसूरत इसकी प्लेन नाइस कूल शलवार कमीज़। लेकिन अब के डिज़ाइंस मुझे समझ ही नहीं आते क्या है। एक तो प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं, ऊपर से डिज़ाइन जो है पजामे फलाने। अब ये हमारा एक बेसिक कूल ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ है जो कि आप कहीं भी पहन सकते हैं, लेकिन अब जो कपड़े बन रहे हैं ना उनकी समझ नहीं आती कि वो आप एक ही जगह पहन सकते हैं, उसके अलावा नहीं पहन सकते। और आप देखिए कि इसका जो गोल्ड, इसका जो वो है टेक्सचर और इसका जो क्वालिटी ऑफ कॉटन है वो कितना प्यारा है। मम्मी बड़ी खुश हो रही होंगी, भाई ये सूट कहाँ से आ गया? मामा जी आई नो एवरीथिंग। सो आप दाल मुर्गी के लिए तैयारी पकड़ते हैं, एक कॉलर से बात कर लेते हैं पहले थोड़ी। उफ बाहर देखिए नाजीन, अंधेरा हो गया है, ओ माई गॉड, चेक करने दें। उफ ब्यूटी, हाँ तो मग भी मैचिंग हो गया है कि हमारे साथ कॉलर अगर हैं तो बता दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं निदा बात कर रही हूँ। निदा के ओए सोफे के साथ भी मैच, कैसी हैं आप निदा? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, और आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल मौसम के हिसाब से, इस्लामाबाद का जैसा मौसम हुआ है। अच्छा ये जो है ना, थैंक यू सो मच, ये अब मुझे समझ आई है थोड़ा अकड़ू अकड़ू सा क्यों है, ये खद्दर कॉटन है। हाँ। ये बहुत अच्छा है, इसका एक तो कलर बहुत अच्छा है ना, थैंक यू, और दूसरा एक इट इज गोइंग विद योर केप शॉल एज वेल, और आपके शूज की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। अरे थैंक यू सो मच, अब शूज बहुत ज्यादा हो गए और कपड़े कम हो गए। थैंक यू सो मच। अच्छा मिसी, मुझे एक तो आपसे पूछना था, एक तो आप अपनी रूटीन शेयर करें, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पिक्चर्स देखती हूँ, आप बहुत ज्यादा स्लिम हो गए हैं, आपने इवन आज तक के विंटर्स में भी नहीं गेन किया, तो आप एक्सरसाइज की कोई टिप्स भी शेयर कीजिएगा, अपनी रूटीन भी शेयर कीजिएगा। मैं सोची थी कल, आज मैं सोची थी कि यहाँ पे आपको तो वही अपनी जो मैं योगा स्ट्रेचेज और वो करती हूँ, मैं एटलीस्ट 5 से 6 मिनट टाइम हो नहीं हो सुबह दोपहर हो मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डाइट का भी, और मैं एक्टिव बहुत ज़्यादा हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत इधर उधर जब मैं बैठती हूँ ना फिर मुझे होता है उफ़ो इतनी देर बाद मैं बैठी हूँ, सो आई एम ऑल द टाइम ऑन द गो, उसकी वजह से भी कैलोरीज जो भी थोड़ा बहुत मैं खाती हूँ वो बर्न होता रहता है, तो शायद उसकी वजह भी है एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से। तो खाती मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ज़माने में खाने को वो कहना ये नहीं खाना वो नहीं खाना, चावल वावल मैं सब खाती हूँ, लेकिन ये कि मेरा बर्निंग का ज़्यादा है कि कैलोरीज आप खाएं तो फिर उनको आपने बर्न भी करना होता है, तो ये अभी आपको और भी एक दो टिप्स बता देती हूँ। निदा तो कैसी है, हिना कैसी है, अलविना जी कैसी हैं? हां मेरी तरफ से आपको बहुत सलाम, सर्दियों की वजह से मैं कह रही थी कि आप कश्मीरी चाय और कॉफी का जूस, आपका तरीका है ना ब्लेंडिंग का, वो आप दिखा दीजिए। कश्मीरी चावल कॉफी का, कश्मीरी चाय और कॉफी बनाना। अच्छा कश्मीरी चाय और कॉफी, ओके कश्मीरी चाय कॉफी मैं आपको कल बता देती हूँ, कश्मीरी चाय फिर नेक्स्ट वीक आप ही के नाम से।
ठीक है ना, अभी लिख लेती हूँ। ठीक है, कॉफी। और दूसरा मिशी मुझे कहना था कि बच्चों के जितना पेपर खत्म होने वाले हैं अभी, तो मैं चाह रही थी कि बच्चों को अगर आप कोई ऐसा एक प्रोग्राम कर लें, बिल्कुल मेरा एक दफा हो जाए। वैसे तो सैटरडे को हमारा आता है जो बच्चों की, हाँ, मैं देखती हूँ। नहीं, लेकिन ये कि एक तो हमारा प्रोग्राम हालपुर की दुनिया आता है, अंकल हालपुर की दुनिया, उसमें भी वो आ सकते हैं। और मैं सोची थी किसी दिन हम यहाँ पे अपने जो शो है उस पर लाइव जो है बच्चों को बुला के, जो मैं एक करती थी एक जमाने में, एक साल तक किड स्पेशल जो था, तो मेरा दिल है कि बच्चे आज भी याद करते हैं ना। हाँ, तो उनको बड़ा मजा आया था आपके साथ ना। बस उसको कहना है कि उसने बातें कर दी, फिर इधर आके बिल्कुल टोइंग हो जाती है है ना। आप तो बड़ी हो गई है, माशाल्लाह बातें करती है। अच्छा, बस सही है, फिर ठीक है। हाँ, जरूर है। ये गुड सजेशन, इंशाल्लाह करते हैं लाइव बच्चों का शो। ठीक है ना। और दूसरा ये कि सवाल का जवाब आपका ये था, दियार इसका था आंसर, दियार का दरख्त। हाँ जी, ठीक है, दियार का दरख्त आपका नोट कर लिया जवाब निदा। बाकी सबको बहुत सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? मैं ये सोच रही थी कितनी मैचिंग हो रही है। अब चलते हैं नाज़रीन, घड़ी का सेल जो है आज मुझे बार बार, मैं इस तरह देख रही हूँ घड़ी का सेल ऑफ, उसमें 10 ही बजे में, तो कल मेरे पास टाइम नहीं था, आज मैं जाते हुए उसमें उसका सेल करवाऊँगी। अब आप देखिए, ये तो कपड़े जो है सोफे से मिल गए, ये देखिए किससे मिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए ज़रा, ये देखिए, अब इसमें पड़ा हो तो पता भी ना चले। माय गॉड, सो मच ऑफ मैचिंग, गॉड। मैं सोची अगर इधर पूरा एक सिस्टम होता ना, तो मैं इधर ही उठ के ना सुबह इधर तैयार होकर इधर ही, पूरा एक कॉन्डोमिनियम टाइप नहीं होता। तो अब चलते हैं नाज़रीन अपनी कुकिंग की तरफ, लेट्स गो नाउ। दाल मुर्गी सना ने ओकाड़ा से इसकी फरमाइश की थी, इधर से भी आ जाते हैं नाज़रीन। ये वाली जगह हमने बड़े, ओ मेरे ब्याह का दरख्त, घोंसला बीच में है, बच्चे दे दिए हैं, अंडे दे दिए हैं, सॉरी अंडे दे दिए हैं, अब इसमें से बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह। एक साल से नहीं निकल रहे, पता नहीं, अंडे ही हैं अंदर। अब इधर से ये देखे ना जी, माय गॉड, इतने प्यारे शॉट्स इधर आ गए। और आज हमारे साथ हैं पेशावर सेंटर से हमारे जो कैमरा टीम के जो मेम्बर हैं वो आए हैं यहाँ पर, और मैं नाम भूल गया आपका, खान, खान, ओके, खान है। मुझे भी नाज़रीन जो मेरे फ्रेटर्निटी के लोग हैं ना, खान साहब कहते हैं डर के मारे, पता नहीं शायद आवाज़ में कुछ ऐसा खौफ है। और बाकी इधर है काशिफ है और उधर सज्जाद हैं, तो मैंने कहा इधर से भी आना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जिब लग गई है, यू नो व्हाट जिब इज़, आई विल टेल यू लेटर। वापस आते हैं भाई, खाने की तरफ आ जाएँ, आ गए। आज आपको दाल मुर्गी सामने स्क्रैच से बनाना बताऊंगी आपको। कल के नाज़रीन जो आलू करी थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी, और मैं ज़रूर कहना चाहूंगी कि हमारे प्यारे से जो अम्माद हैं वो नासाज है उनकी तबीयत, तो वो इस वक्त घर पे बैठे जो है सूप पी रहे, अपनी तबीयत को ठीक करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंसान की तबीयत ठीक हो तो सब ठीक होता है, तबीयत ठीक ना हो तो नथिंग लुक्स ऑल राइट। सो अपने, और नाज़रीन प्लीज़ दूसरों पे ना डालें, अम्मी ने मुझे ये नहीं दिया, तबीयत को सही करना आपका अपना काम है, लोगों के ऊपर ना डाला करें, अपने काम खुद किया करें। एक तो हम इतनी काहिल कौम है ना कि दो लोग काम कर रहे होते हैं, चार लोग बैठे हुए मक्खियाँ मार रहे होते हैं या फ़ोन में घुसे हुए होते हैं, एज इफ के एक बिल गेट्स है बिज़ी और एक वो है बिज़ी, इस ना मान रहे। अब हम हैंड वॉशिंग कर लें ज़रा, आप लोग आजकल भी हैंड वॉश करें, सिर्फ कोविड के टाइम में नहीं, हैंड वॉश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी काम आप करें, बच्चों को भी बताएं कि अपने हाथ को धोया करें ताकि जर्म्स यानी जरासीम से पाक हो जाएं आप। अब आ जाते हैं, ठोइंग, एक कप दाल जो कि एक पाव से सवा पाव दाल है, मूंग की दाल, ये देखें, जिसको बहुत सारे लोग मूंगी की दाल भी कहते हैं, मूंग की दाल है। एक अदद चिकन है, सवा से एक किलो की तो चिकन नाजी मिलती नहीं है, सवा किलो की चिकन है जो एक की हो जाती है पर उतारने के बाद, ये देख लें छोटे छोटे इसके पीस हैं, ये है, सवा किलो की चिकन है। दो अदद प्याज हैं, ये देख लें दो अदद प्याज हैं, लहसुन अदरक कुटा हुआ है, ये देख लें दो टेबलस्पून के करीब ये है। इसमें मसाले हम डालेंगे, सफ़ेद साबुत ज़ीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हसबे ज़ायका नमक, और फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि ये देख लें बास्केट हमारी यहाँ बनी हुई है, हरा धनिया है और टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं,
ये हम इसके साथ साथ आपको मैं बताती रहूँगी। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि आग जला लें। ओके, आग जल चुकी है। इसमें हम डालेंगे एक कप के बराबर ऑयल, यानी तेल डालेंगे एक कप के बराबर। बहुत मज़े का बनता है। मूंग की दाल जो है वो बहुत जल्दी गलती है, ये बता दूँ आपको। लेकिन ये मम्मी ने मुझे बताया नाज़रीन, एक दिन मैंने दाल जो है ना वो भिगो के रख दी, ठीक है। 15-20 मिनट बाद मैंने दाल चढ़ाई, उफ, टंकी का पानी पूरा ख़त्म हो गया। सुबह से पकती रही वो दाल, पानी खुश्क हो मैं फिर पानी डालूँ, पानी खुश्क हो मैं फिर पानी डालूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, उस दिन दाल नहीं गली। लोगों की वैसे दाल नहीं गलती ना, उस दिन एक्चुअली दाल नहीं गली। और मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मा दाल गली नहीं, पानी डाल, इतना पानी भाई, मैं भी मैंने कहा बनाऊंगी। एंड में वो रोटियां बनी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ दालें होती हैं जिनको भिगोते नहीं हैं, डायरेक्ट धोते हैं और डायरेक्ट डाल दें तो वो 10 मिनट में बन जाती है। इसी तरह मूंग की दाल, इसी तरह लाल वाली जो मूंग मसूर होती है, मूंग मसूर की दाल जो है वो, उनको कुछ दालों को भिगोने की ज़रूरत है। सिर्फ लोबिया और ये जो दूसरी जो बीन्स होती है इनको ओवरनाइट आप सोक करते हैं तो वो बहुत हार्ड होती हैं, तो इसलिए वो बन जाती हैं। अब आप ज़रा देखें सब्ज़ियों को, देखें ज़रा सब्ज़ियों की, चेक करें सूरत हाल। एक तो पता नहीं, हाँ अब इसमें मैंने डाल दिया, बिस्मिल्लाह मान रही, हमने डाल दिया इसमें क्या, प्याज, प्याज डाल दिया। बहुत आसान तरीका मैं आपको दाल गोश्त का या दाल मुर्गी जो है, गोश्त भी आप इसमें डालें, लेकिन ऑब्वियसली गोश्त को थोड़ा टाइम लगेगा। गोश्त को आपने पहले से प्रेशर कुकर में थोड़ा सा कुक कर लें तो भी आपकी जो हांडी है वो जल्दी बन जाएगी। इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज मैंने शामिल कर दिया, ये देख लें आप, और इसको मैंने लिड लगा दिया ताकि थोड़ी स्टीम क्रिएट हो। अब हमने क्या करना है, दाल को धोना है अच्छी तरह, अच्छी जगह से। अगर आप दाल लेंगे ना किसी अच्छी मार्केट से तो वो बहुत ज़्यादा उसमें आपको मेहनत नहीं करनी होगी, लेकिन ऑब्वियसली उसको चुनना और धोना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसको आपने ऐसे करना है, ये लिया और इसको ऐसे ऐसे कर लिया, ये देख लें, ये लिया, इसको अच्छी तरह हमने धोना है। ये धो के उसके बाद आपने, जब पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए दैट मीन्स कि दाल धुल गई, दाल धुल गई, और वो इसको अब हमने धो के रखना है। और आप देखना कि आपके आंखों के सामने ये दाल जो है वो कितनी जल्दी जो है वो पक जाएगी। फिर आपको अगर बहुत ही ज़्यादा पिसी हुई दाल चाहिए तो आप ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मूंगी की दाल की तो ज़रूरत नहीं होती ब्लेंड करने की। तो इसको हम अच्छी तरह थोड़ा सा सोक करते हैं और उसके बाद इसको मुर्गी में शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने मुर्गी जो है उसको भूनना है, तो इसको अब हमने थोड़ा सा तो धो लिया है, अच्छी जगह से लेंगे तो ज़्यादा धोना नहीं पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन दाल गलना ज़रूरी है, कुछ लोगों की दाल गलती नहीं है, हांडी के तरह भी और अदरवाइज़ भी, लेकिन इसका दाल गलाने का भी तरीका होता है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फिर दाल तो कभी ना गली आपकी ज़िंदगी में भी और हांडी में भी। सो एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं, साथ साथ दाल धोती जाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल हकीम क्वेटा से। अब्दुल रशीद साहब क्वेटा से, कैसे हैं अब्दुल रशीद साहब? खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह के एहसान है। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के एहसान है। आपका प्रोग्राम देख रहे थे, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं कि पहले कर चुके हैं? जी पहली मरतबा मैंने आपको कॉल की। अच्छा, डिप्टी पे था आज क्वेटा में आया छुट्टियों पर। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं छुट्टियों पर आ गया हूँ क्वेटा में, पहले बाहर था ना, मैं वजह से। अच्छा, क्वेटा में छुट्टियों पे आए हुए हैं, तो कहाँ पे काम करते हैं आप? जी मैं बॉर्डर पे था, आर्मी में था। अच्छा, आर्मी में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो छुट्टियों पे आए हुए हैं, तो कितनी छुट्टी मिलती है आपको? जी एक महीने की मिली हुई है, 6 माह के बाद। 6 माह के बाद। अब्दुल हकीम साहब फ्रॉम क्वेटा, सो आप किस रेजिमेंट में है? कैसे, किस रेजिमेंट में, मतलब किस आर्मी में, किस में हैं आप, किस रेजिमेंट में? मैं डॉक्टरी में, डॉक्टरी में। अच्छा, मेडिकल में। जी अच्छा, मेडिकल में, ज़बरदस्त। सो क्या कहना चाहेंगे अब्दुल हकीम साहब? मैंने कहा कि आपका प्रोग्राम देख रहे थे, बहुत ज़बरदस्त, मैंने कहा अलवल कर दे। शुक्रिया अदा करें आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताएं कि कोई फरमाइश आपकी, घर में आपके लोग रेगुलरली देखते हैं क्या शो? जी हाँ वो देखते हैं, लेकिन हमारा शहर क्वेटा से आगे, मैं 2-3 मीटर दोस्तों के पास हूँ, फिर गया तो आपको रास्ता करेंगे आपके साथ। अच्छा, तो कोई आपकी फरमाइश? फरमाइश फिलहाल तो कुछ नहीं, बस आपको बता देंगे, हो गई तो। अच्छा, जरूर।
तो वैसे क्या पसंद करते हैं खाना? खाने में तो हम लोग दाल पसंद किया, आज मिश्रा आपकी बन रही थी, हमने देखा प्रोग्राम, दाल मुर्गी बन रही है आज। आज दाल मुर्गी बन रही है, कल आलू बन रहे थे वो देखे, जबरदस्त। अच्छा, थैंक यू। सो आलू वाकई में कल आप बना के खाइएगा, बहुत मजे के बने थे। बिल्कुल, कल जबरदस्त बने थे, बहुत शुक्रिया। सो आज के सवाल का जवाब कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त जो है वो कौन सा है? हमारे पाकिस्तान का कौमी दरख्त? जी कौमी दरख्त, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं मैडम। नहीं, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? दरख्त नहीं होता, ट्री। आवाज आपकी कट रही है। हेलो, आवाज आ रही है? कट के आ रही है मैडम। जी, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? दरख्त नहीं होता, दरख्त। साफ आवाज नहीं आ रही, निकाल के दोबारा करूँ या? आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा है ना। थैंक यू अब्दुल हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल हकीम साहब क्वेटा से कॉल कर, ओहो, उनसे बात करते हुए मुर्गी जो है वो डाल दी अंदर मैंने, इसके लहसुन प्याज और साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया था, जैसे ही वो भुन गया तो उसमें मैंने चिकन शामिल कर दी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको थोड़ा स्टीम लगने दें, और आग आज काफ़ी जारी तेज़ हुई हुई है, इसको दरमियाना कर दिया मैंने। नाज़रीन, मैं आपको मुर्गी, दाल मुर्गी बन रही है, मैं आपको मुर्गी बनाना बताती हूँ, ठहरें। ये मैंने कब सीखी थी ये आपको दिखाती हूँ। प्याज, वो आप देखते हैं ना, ये जो बाज़ारों के अंदर चिकन कारन सूप नहीं होता, उसके ऊपर एक चिकन लटक रही होती है, उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डालता रहता है आदमी, डालता नीचे ड्रम होता है, उसमें चिकन ऊपर से रात तक जो चिकन है ना वो बिल्कुल सूख जाती है, उस पर गर्म पानी डल डल के, तो वो ऐसी होती है। और जो मरी के अंदर नहीं है, ये जो कढ़ाई वाले जो होते हैं, उनके भी चिकन ऐसे लटक रही होती है। ठहरे, मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ये देखें ऐसे लटक रही होती है। तो लेने दे, देखे कितनी अच्छी, मैंने घर में आया आपके पास मुर्गी ना हो ये लटका दे, अब इसको दिखी दे, मुर्गी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये देखें खूबसूरत तरीके से, ये थोड़ा सा दरमियानी फ्लेम पे अच्छी तरह इसको आपने भूनना है। भूनने के बाद हमने इसमें डालने हैं मसाले, 2 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर ताकि ग्रेवी जो है इसकी ज़बरदस्त बने, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च क्योंकि हमारे पास अभी ख़त्म हो गई है, आपने डालनी है तो आप डाल लें, और हसबे जायका नमक जो कि 1 टीस्पून है, बल्कि सवा डालते हैं इसमें क्योंकि अभी दाल भी डलनी है, दाल। अब इसको अच्छी तरह हमने भूना। नाज़रीन, जिस दिन मेरे पास घड़ी ना पहनी हो ना, आई फील सो ओल्ड कि मुझे समझ नहीं आती कि ज़िंदगी रुक सी जाती है, मुझे इतनी रिस्ट वॉच पहनने की आदत है। लोग कहते हैं जी रिस्ट वॉच कौन पहनता है, फ़ोन में देख ले। फ़ोन में कौन टाइम देखता है यार, पैदल फ़ोन उठाएंगे आप चेक करेंगे 5 मिनट गुजर जाएंगे। अच्छा ये हो गया, इसी के साथ हमने खूबसूरत जो प्यारी सब्ज़ी है दरख्त से धनिया काट के, अब आपने इसमें धनिया डाल देना है अच्छी तरह। अब आई एम सॉरी, मैं कटिंग बोर्ड पे नहीं डाल रही, मैं जो देसी स्टाइल है कटिंग का वो कर रही हूँ। ये हमने लेके इसमें धनिया शामिल कर दिया ताकि इसका जायका भी इसमें आ जाए, ये किया। और इसी के साथ हमने हरी मिर्चें जो हैं वो स्लिट करके 2 करके इस तरह करके डाल दी आपने, आप बेशक छोटी चॉप करके डाल दें, मैं इस तरह करके डाल रही हूँ। साथ में कॉलर भी हैं, 3 से 4 अदद मिर्चें डाल रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल कर सकते हैं आप 0514102357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त जो है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं नहीद लाहौर से बोल रही हूँ। नहीद फ्रॉम लाहौर, कैसी है नहीद जी, खैरियत से हैं आप? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से हैं? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, चलें जबरदस्त। कैसी तबीयत है आपकी, आपकी आँख कैसी है जो लेजर हुआ था? अब गई हूँ डॉक्टर के पास, उसने मेडिसिन दी है खाने के लिए। खाने के लिए मेडिसिन, लेकिन हाँ पहले से बेहतर है? पहले से, हाँ पहले से बेहतर है, लेकिन अभी इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब मेडिसिन शुरू की है। अच्छा, फर्क पड़ा। आपको शायद याद होगा उस दिन हमने आए के डॉक्टर हमारे आए थे, उन्होंने भी कहा था कि आप थोड़ा अरसा धुंधला रहता है, आप उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहेंगी नाहिद जी? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका ड्रेस आज बहुत प्यारा लगा मुझे, है ना?
ये हमारा ये ट्रेडिशनल सलवार कमीज है, सलवार प्रॉपर दुपट्टा और थ्री पीस सूट। माशाल्लाह आपको जो भी पहनती है वो सूट करता है माशाल्लाह, तो नाइटी इतनी है आपकी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। तो नहीं जी, अब आप फिक्र तो नहीं करती अपनी आँख के बारे में ज्यादा? नहीं, अब तो वो बस अल्लाह से छोड़ दी है, आपने मुझे इतना समझाया, अब तो समझ आ गई है मुझे। चलें जबरदस्त, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और सबकी दुआओं से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बस ये कि आपने अपने डॉक्टर से रुजू रखना है और उनको बताते रहना है कि भाई ये हो रहा है और ये हो रहा है, जो भी आप फील करें। उन्होंने कहा कि एक मंथ आपने ये मेडिसिन खा के ना, तो कुछ टेस्ट करवा के लाने, उसके बाद आपने ऑपरेशन दूसरी आँख का करवाना है, अभी आपने ऑपरेशन नहीं करवाना एक महीना। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आप कोई आई ड्रॉप सिस्टम, उन्होंने कोई आई ड्रॉप दिए हैं आपको? हाँ जी, उन्होंने मुझे दिए अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ये कि ज़्यादा टीवी और जो बहुत शुआओं वाली चीज़ें हैं, थोड़ा बाहर निकले धूप में तो ग्लासेस अच्छे क्वालिटी के पहने, सन ग्लासेस जो होते हैं, ताकि सन रेज से आप। टीवी भी अब मैंने थोड़ा कम कर दिया, सिर्फ आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू। उसके बाद मैं ज्यादा नहीं देखती, अब पहले ज्यादा देखती थी ना, तो उससे भी मुझे जरा आंखों पे मसला बनता था। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। बाकी आज के सवाल के वो कौन सा दरख्त है के पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? कहाँ गई? ओए नहीं जी, कितने गए हो तुसी? यू हैव वैनिश्ड फ्रॉम द सीन, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये देखे नाजी, नाही जी से बात करते हुए मैंने इसमें हरी मिर्चें तो डाल दी थी, दो अदद गोल टमाटर मैंने डाले हैं। अब आप कहेंगे गोल क्यों डाले हैं? उसकी एक वजह है कि गोल टमाटर जल्दी गलते हैं, जो क्यूब कटिंग में होते हैं वो ज़्यादा जल्दी गलते नहीं हैं और उसके रोड़े मतलब गोमड़े से बन जाते हैं। इसमें भूनते वक्त आप बेशक थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, थोड़ा सा, दो से चार टेबल स्पून, ताकि मसाला आपका जले नहीं। ये लें, इसको अच्छी तरह आपने भूनना है। थोड़ा दो मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूंगी डायरेक्ट दाल, और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें क्या, पानी, और उसके बाद दबा दब ये पकेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं इसका चेक कर लूँ, एक मिनट, इसकी नमक जो है। बहुत ही मज़े का, वेरी नाइस माशाल्लाह। एक हमारे साथ कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आज साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बेटा अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप बेटियों की दुआएं हैं, शुक्र है मेरे अल्लाह का, शुक्र है, जिंदगी का वक्त गुजर रहा है, मालिक का बड़ा करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र, दुआ गो हूँ आपके लिए और आपको प्रोड्यूसर साहिबान के लिए और के टू के तमाम कारकुनान के लिए। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन, और दुनिया को ऐसे ही महजूज करते रहे। के टू की स्क्रीन और एटीवी नेटवर्क की स्क्रीन चमकती और महकती रहे। आमीन सुब आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसी तबीयत है आपकी, क्या हो रहा है आजकल? जी बेटा बस बारिश हो रही है और अपने कंबल में बैठा हुआ हूँ। कंबल में? जी हाँ। अच्छा, कभी आपके घर कोई ऐसे मेहमान आए जो घर में आके कंबल हो जाए? जी हाँ, हो जाते हैं अक्सर ये जो दो दिन का कहते हैं और दो हफ्ते रह जाते हैं, कंबल कहते हैं, कंबल मेहमान। अच्छा ठीक है भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा, कुछ अच्छी सी बात शेयर करना चाहेंगे आप? बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारा केटू का एक चैनल है, ये इतना खूबसूरत प्यारा चैनल है कि फैमिली चैनल है, बेखौफ खतर इसको देखा जा सकता है, इसका हर शो मियारी है, खासतौर पर ख्वाजा नजीम, हाँ इसको भी देख ले, ख्वाजा नजीम साहब का जो आजकल म्यूजिक का शो है ये बहुत ही पसंद है और बहुत ही अच्छी मालूमात से हो रही है। नहीं वाकई में वो उनका तो खैर भरपूर पाकिस्तानी जो म्यूजिक है इंडस्ट्री उसके हवाले से, जो फिल्मों के हवाले से उनके बहुत मालूमात है और बहुत जबरदस्त एक एडिशन है हमारे गुलदस्ते में। जी इसी बात मुझे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उन तक ये बात मैं पहुँचा भी दूंगी। बाकी ये कि आपके कौन से पसंदीदा गुलकार उस जमाने के जो है, वो कौन से? बेटा सारे के सारे जितने भी गुलकार थे उस वक्त के, वो एक से एक बढ़कर था। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। हाथ लगाओ जो था वो था मसूद राणा के साथ, मसूद राणा साहब माशाल्लाह, और रानी जी के साथ। क्या पर्सनालिटी थी उनकी, वाह क्या बात है।
क्या बात है, इनके साथ मेरा बाग बड़ा बहुत खास लगाव था इनके साथ मेरा। अच्छा अच्छा, दैट्स सो नाइस, सो नाइस। तो भाई साहब, आज का जो सवाल है वो मेरे ख्याल आपको पसंद आएगा, कि ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त जो है वो कौन सा है। यार मैं कौन सा दरख्त बताऊंगा मैं आपको, मैं ये दरख्त तो पाकिस्तान में बहुत से हैं, फिर भी बिहार का दरख्त बड़ा लंबा और मजबूत होता है, है ना, शायद वही ना हो। कौन सा? दियार का। दियार यार में, ठीक है, दियार का दरख्त। ठीक है भाई साहब, आपका जवाब नोट कर लिया है। हमार बेटा बीमार है, उसको मेरी तरफ से ताजियत, अल्लाह उसको सेहत और जिंदगी अता फरमाए, और पुलिस साहब को बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम साहब, आई साहब ताजियत नहीं, मतलब आपकी नेक तमन्नाएं। ओ अल्लाह आदमी हूँ ना, अनपढ़ हूँ, क्या करूँ, कहना कुछ चाहता हूँ निकल मुंह से। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा मतलब ये नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी गुड विशेज जो है वो इंशाल्लाह उन तक पहुँच गई हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से हमारे फ्रॉम अटक हाजी असगर साहब। और हाजी असगर साहब से बात करते हुए नाजी मैंने खूबसूरत सा कचूमर सलाद बना लिया। अब देख ले नाजी, आप बाहर ही देखें, बाहर का मंजर देखे नाजी, खूबसूरती के देखे। सजाद जो है हमारे खिड़की के बाहर चले गए हैं, तोड़ के खिड़की। ये देखे नाजी, हमारे चैनल जो है ना, इट्स हाई टेक चैनल। रो दाल, अब मैं धुली हुई दाल बिस्मिल्लाह रहमान इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देख लें, बिल्कुल गल गई है चिकन। और अच्छा, सॉरी, अब इसमें हमने जो इसमें दाल बच जाए वो आपने इसमें डाल दी, और इसको अब हमने पानी डाल दिया इसमें। दाल और मुर्गी इकट्ठी बनेंगे, और आप देखना कितनी इंशाल्लाह शानदार दाल बनेगी, दाल मुर्गी। ये मैंने इसमें डाल दिया, सलाद बन चुका है, और इसको थोड़ा सा आप मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह माने, आप देखिएगा क्या कमाल दाल मुर्गी बनेगी। दरमियानी आँच कर देनी है हमने इसको, दरमियानी आँच हुई हुई है, और ढक्कन लगा दें, और ये सिमर करके पकेगा, और ये बेहतरीन इंशाल्लाह इसका जायका होगा। इसको आप सर्व करें नान, रोटी, चपाती, इवन सफ़ेद चावलों के साथ, साथ में अच्छा सा थोड़ा सा कचूमर सलाद बना लें, एंड दैट्स अबाउट इट, गुड टू गो। अब चलते हैं नाजी, आपको खूबसूरत सा सनम मारवी का एक नया जो कला एजुकेशनलिस्ट हैं, साथ में एक्टिंग भी करती हैं, साथ में इन्फ्लुएंसर भी हैं, ऑल इन वन काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं, बाकी भी इनसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सुपर टैलेंटेड प्यारी सी गाजिया रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठीक ठाक हैं। बड़ा ब्लैक एंड रेड का जबरदस्त कॉम, रेड राइडिंग हुड बन के आई हैं, लुकिंग वेरी नाइस इन द मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आप आई। थैंक यू, थैंक यू। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो एक्टर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं। इनका एक सॉन्ग है आज जो आपको दिखाएंगे, वीडियो सॉन्ग, और इनसे खूब सारी बातें करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अमेजिंग टैलेंटेड से नबील असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक हैं। वेलकम ऑन द शो। सुबह सुबह नाज़रीन लोगों को फ्रेश देख के बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ जाते हैं नबील? बिल्कुल। कैसे, मतलब रियाज करने के लिए? नहीं रियाज नहीं, बेसिकली मैं थोड़ा फिटनेस फ्रीक भी हूं, तो मेरी कोशिश रहती है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले मैं जिम जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आफ्टर नमाज। आफ्टर, तो आजकल जिम जल्दी खुल जाते हैं? बिल्कुल नाजीन, एक ही जगह है, वरना सुबह जाएं तो ऐसा हु का आलम होता है कि कोई भी जगह नहीं खुली होती। हम लोग वैसे अर्ली वेकिंग नेशंस में नहीं आते, 11 बजे हमारा दिन शुरू होता है। ये तो है। और मैं भी 10 लोगों में से 2 लोग हैं जो सुबह उठते हैं, बाकी सारे सोए होते हैं, इसीलिए हम लोग पीछे और रात तक काम करेंगे, और फिर सुबह एक गलत सी रूटीन बनी हुई है। बिल्कुल। तो आप गाजिया, बड़ा प्यारा नाम है, आप इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? बस आई एम लाइक वर्कहॉलिक, मुझे अच्छा लगता है कि बस बिजी रहें काम में। इट्स लाइक कि आप लोग ना उस फेज में भी नहीं जाते कि आप लोग कुछ और नेगेटिव सोचो या डिप्रेशन हो, सब कुछ लाइक लगे कोई वाइब्स आए। आई एम बिजी इन वर्क, तो इट्स प्रोडक्टिव। अच्छा, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि चले हर जगह ही टांग रही हूँ। एक्टिंग, इन्फ्लुएंसर, साथ में एजुकेशनिस्ट भी हैं। लाइक आई एम अ कोऑर्डिनेटर ऑफ ओ लेवल्स in one of the international schools, and then I'm like working as an like vlogger and TikToker on social apps. उसके बाद फिर ये है कि जो writer हूँ, content writer, creator, वो production house में वो काम कर रही हूँ, script writing भी कर रही हूँ। अच्छा। And उसके बाद acting short films में कर चुकी हूँ, अभी web series आई है हसन शहरयार के साथ, उसमें काम किया है। And then there's a production house, उसमें मैंने उनके लिए short content के ऊपर काम किया, act किया, reels किए, सब कुछ।
इतना सारी चीजें करती है तो टाइम अपने लिए मिल जाता है आपको? अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता, लाइक बहुत रात को कहीं टाइम मिलता है या वीकेंड्स पे बस, ज्यादातर फोन पे फिर जाहिर है टिकटॉक ये भी बनाना होता है, एवरीथिंग यस। जबरदस्त जबरदस्त। नबील सिंगिंग भी आप करते हैं, कोई खास आपने उसके लिए क्लासेस ली हैं, कोई उस्ताद है आपके? आपको एक मजे की बात बताता हूँ, एक होता है हर घर में एक शरारती बच्चा होता है। अब ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के फादर जो हैं वो एक प्रोफेशनल सिंगर हैं और वो खुद मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द हैं, और बट स्टिल मैंने उनसे सीखा नहीं। क्यों नहीं सीखा? देखो आपके घर में आपके पास है वो। मैं बता दूँ, बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एज एन एक्टर, सिंस आई वॉज 17 मैंने तब से स्टार्ट किया, और एक्टिंग करते करते अब पहले मॉडलिंग की तरफ गया, फिर उसके बाद फादर ने बोला कहते हैं आपको अपना तलफ़ुज़ ठीक करना है तो यार आपकी आवाज़ बर्दाश्त हो जाएगी, आप सिंगिंग की तरफ आओ, मैं आपको सिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाई मुझे, थोड़ा थोड़ा करते करते आज इस मुकाम पे आज मैं सिंगिंग भी करता हूँ, तो जिससे मेरी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, डायलॉग डिलीवरी को मिला, आवाज़ के उतार चढ़ाव को, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे मैं सीखता गया फिर उसके बाद फिर मैंने सॉन्ग राइटिंग, कंपोजिशन, लिरिस्ट, एज ये सारा एक कम्बिनेशन बनता गया फिर। और जब मैंने ये सब चीज़ें कर ली और अभी मैं अपने टाइम में पीछे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार निकलने में निकला था मैं एक्टर बनने, आज मैं सिंगर बन गया, प्रोड्यूसर बन गया। अच्छा प्रोड्यूसर भी आप टेलीविजन ड्रामास के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सा किया आपने? मैंने हम टीवी के लिए एक नया चैनल आया, और लाइफ पी टी वी वगैरह के लिए इनके लिए एक प्यार मुबारक के नाम से एक ड्रामा बनाया, अभी एक मेरा शूट चल रहा है। अच्छा। और उसके अलावा खुद की शॉर्ट फिल्म, छोटा सा प्रोडक्शन हाउस भी है फोरसाइट एंटरटेनमेंट्स के नाम से, और उसके साथ म्यूजिक वीडियोस एंड ये सब बनाते रहते। तो वैसे ही कुछ वैसे ही आपका वीडियो तो देखेंगे अभी, थोड़ा सा ऐसी गुनगुना के सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा एक अपकमिंग सॉन्ग है अगर आप कहते तो। हाँ प्लीज। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ हमारे पुराने एक आर्टिस्ट हैं ए नैयर साहब, उनका एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है जिसको मैंने दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की है। बिल्कुल। वो ये कि मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा, ना मेरी सुबह ना मेरी शाम, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। ए नैयर साहब बड़े खूबसूरत, उनकी आवाज़ थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। बड़ी उनके यादगार सॉन्ग्स हैं बेशक पाकिस्तानी फिल्मों के। और मेरे अंदाजे में प्लेबैक सिंगर जो है वो एक एक्टर को बहुत मार्जिन देता है परफॉर्म करने का। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जितना भी मैंने सीखा है ये सब यकीन करें दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स मुझे दिए, कहते हैं अगर आप इन चीज़ों को जस्ट फॉलो करें देन यू कैन बी अ सिंगर ऑफ टुडे। बस। तो आपके फादर का नाम? असगर अली साहब। तो उन्होंने फिल्मों के लिए बनाया जी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म्स के लिए, पीडीवी के ड्रामास के लिए भी उन्होंने काम किया है। अब माशाल्लाह उनका खुद का भी एक एल्बम वो पहले कर चुके हैं, फिर एक अच्छे खासे गैप के बाद अब वो दोबारा एक कमबैक भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। गाजिया सिंगिंग का शौक है? नहीं है, सुनने का शौक है। कौन पसंद है? मुझे अगर पाकिस्तानी में कहें तो मुझे आतिफ बहुत पसंद है, और अगर पुरानों में कहें तो राहत भी पसंद है मुझे, लेकिन अगर न्यू कहें तो वो फिर इंग्लिश सॉन्ग्स में भी ज्यादा आ जाता है, टेलर स्विफ्ट और ये सब। और साथ जो इंस्टाग्राम पे है एजुकेशन के साथ भी मैं अपने करती हूँ, और उसे यूजुअल रूटीन्स में जो मैं जाती हूँ वर्कशॉप्स पे या सब कुछ वो भी बताते हैं। देन उसके बाद हमने गए हम लोग मैं फॉरेन कंट्री में मालदीव्स में, एंड देन श्रीलंका जब मैं गई तो उनकी कंट्रीज के सारे मैंने बनाए रील्स और सब कुछ बनाए ताकि एवरीबॉडी शुड नो कि उनका फूड कैसा है और सारा कुछ, तो वो सब चलता रहता है। तो अपने चैनल के साथ जो हम प्रोडक्शन हाउस उनके लिए भी ब्लॉगिंग की थी मैंने कि उनका सारा चलता रहे, तो इस तरह के लोगों को पता लग जाता है मालदीव्स इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, तो हम वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो श्रीलंका का थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स यू कैन इमेजिन कि थोड़ा सा उनका सी फूड ज़्यादा होता है। उनके राजी मैंने ब्लैक पेपर क्रैब्स खाए थे बीच पे बैठ के, मुझे लगा कि वैसा टेस्ट मैंने कहीं नहीं, मुझे सी फूड पसंद है। अच्छा तो फिर
तो ये है कि उनके साथ चलती रहती है. तो अब जिस तरह मैं अब मेरा जो फॉर्म है जैसे मैं एजुकेशन में हूँ लाइक, तो जब मैं अपने एजुकेशन लाइक इस्लामाबाद के सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस का जिस तरह ग्लोबल विलेज होने लगा है, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो यहाँ पर यह है कि फिर अब जब उनकी चीज़ें बनाती तो मेरी हेड्स को पता होता है कि मैंने ये सब करना होता है, अपलोड करनी है चीज़ें, तो वो सब चीज़ें अपलोड होती रहती हैं. हालांकि अभी मैंने उसमें लाइक आई एम नॉट रिवीलिंग माई फेस कि अभी नहीं, पहले सब कुछ हो जाए उसके बाद रिवील करना है, क्योंकि रिवीलिंग के बाद और ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है. तो वो सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन शी प्रमोट्स एंड देन बाकी लोग भी प्रमोट करते हैं कि हम उनकी चीज़ों को प्रमोशन मिलती है. तो इट्स लाइक कि चल रहा है. तो आपका किस नाम से गाजिया? इट्स जी आर व्लॉग्स ऑन यूट्यूब चैनल. जी आर व्लॉग्स इनका है यूट्यूब पे, उधर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. और रुबाब नकवी है टिकटॉक. ओके, टिकटॉक पे रुबाब RUBAB रुबाब नकवी टिकटॉक पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम है, इट्स लाइक Stunnerz1. Stunnerz1 डिफरेंट नाम है ना सारे. Stunnerz1 आप इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. आपका? मेरा नबील असगर ऑफिशियल. ओके, जस्ट इंस्टाग्राम, उसके अलावा यूट्यूब है मेरा. ओके, नबील असगर इंस्टाग्राम पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब का इनका. यूट्यूब पे मेरा फोरसाइट एंटरटेनमेंट्स के नाम से. फोरसाइट एंटरटेनमेंट. ओके, फोरसाइट एंटरटेनमेंट के नाम से इनका यूट्यूब पे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. अनाजी मैं बताना भूल गई, हमारे इस शो का जो पेज है ऑन फेसबुक वो है द मिशी खान शो, उस पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं. और लेटेस्ट अपडेट जो है, जो आज मैं पिछले जो दो हफ्ते हैं उनकी पिक्चर्स आज इंशाल्लाह जाके डालूंगी. और उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे है, और मिशी खान ऑफिशियल का ही यूट्यूब पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. और ट्विटर पे है मिशी खान @Michelicious. और साथ में K2TV जैसे ही आप टाइप करेंगे KAY2 ऑन ट्विटर तो आ जाएगा पेज, वो आप फॉलो कर लें. KAY2 पे आप करेंगे फेसबुक पे, वो भी आ जाएगा एकदम से पेज, आप उसको फॉलो कर लें. और इंस्टाग्राम पे भी KAY2 K2TV ऑफिशियल, उस पर आप जाके जो इंस्टाग्राम है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं. अब मैं चाहूँगी कि सबसे पहले गाजिया रुबाब जो है उनकी चल के शोरील देखते हैं कि क्या क्या करती हैं, और उसके बाद वापस आते हैं. वेरी नाइस. नाजी मालदीव्स में जो एक काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, yeah. के एयरपोर्ट से आपको गाड़ी में नहीं जाना होता, बोट के ऊपर, yes. किसी ना किसी आइलैंड पे जहाँ पे आपकी बुकिंग. तो मुझे याद है मैं बैंडोस आइलैंड गई थी, उधर कोई और ही दुनिया है. मतलब रात को आप सोच नहीं सकते कि आप गाड़ी में कहीं उठ के चले जाएं, yeah, बिल्कुल भी नहीं ऐसा. आप किस आइलैंड पे थी? मैं समर आइलैंड. ओके, ज़बरदस्त. आपने इनकी शोरील देखी. और नबील आपका जाना हुआ कहीं बाहर? जी बिल्कुल, मैं स्टडीज़ के लिए मैंने कोवेंट्री कॉलेज से किया, लंदन से. तो बस स्टडीज के टाइम पे गया था, उसके अलावा वर्किंग लाइफ स्टार्ट हो गई मेरी. तो बस फिर यहीं पे हूँ. जाने का इरादा है किसी ऐसे जगह अभी पे? ये है कि मेरा इन अमेरिका, मेरा वहाँ पे क्या नाम है, एक छोटा सा बिजनेस सेटअप है. तो उसके लिए क्या नाम है, मैं सोचो कि शिफ्ट हो जाऊँ वहाँ पे. अच्छा, नॉट परमानेंटली बट फॉर द टाइम बीइंग, एक्सपीरियंस के लिए. ओके, ऑन दिस नोट जो नबील हैं इनका भी एक शोरील है, चल के देखते हैं. इज अ प्रोड्यूसर, एक्टर, साथ में सिंगर भी हैं. तो देखते हैं कि इनकी शोरील में क्या क्या है. वाह भाई, इतना प्यारा पैकेज था, वेरी नाइस. मोटरसाइकिल, ये आपका अपना मोटरसाइकिल है? नहीं, मेरा नहीं है, शूट के दौरान मिला था. अच्छा, वैसे हाँ, अच्छा होता है. आई एम अ बाइक लवर. अच्छा, बाइक लवर है मेरे पास, बट कौन सी है आपके पास? मेरे पास कैफे रेसर. अच्छा,
आई एम सॉरी नाज़रीन, ये मम्मी का कॉल आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, वो ज़रा देख लें, मैं इस वक्त ऑन एयर इस वक्त हूँ, मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ है। मम्मी वालेकुम सलाम नीसी। मम्मा टीवी का वॉल्यूम बंद करें। जी जी, ये जो आपके पास सिंगर बैठे हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज है। मेरी तरफ से इसको बहुत दुआएं हैं, और खूबसूरत बगैर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के जो गाइड, और इसको चाहिए कि ये अपने आप को और मतलब पब्लिक भी प्रमोट करें अपने आप को। मतलब मुझे नहीं पता ये कैसे आगे जाते हैं, क्योंकि जो टैलेंटेड आदमी होता है वो इस वर्ल्ड में पीछे उसको सुलाई देते हैं बिल्कुल। तो मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बगैर म्यूजिक के इतना खूबसूरत और आवाज भी इतनी अच्छी है, बहुत दुआएं। और बहुत शुक्रिया, आई एम ओवरवेलम्ड। अच्छा बाबा, आपकी तरफ से तारीफ आना बड़ा बात है। बड़ी मुश्किल तारीफ करती हूँ, चले अभी इनसे कुछ और भी एन ईयर का सुनते हैं आपकी फरमाइश के बाद। ऑल राइट मामा जी, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय, ऑल माय प्रेयर्स एंड लव फॉर हिम। Thanks a lot. Thank you, mother. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अम्मी की तरफ से आना ना, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत कम होता है कि वो इस तरह बीच में शो में कॉल करें। माशाल्लाह बड़ा प्यारा आपकी आवाज़। कुछ और सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। अच्छा एक और सॉन्ग है जो मैं उनको रिक्रिएट करना चाह रहा हूँ, एक एनईयर का। बिल्कुल, एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है उनका, तेरे मत भरे नैन, पंजाबी। कह रहे तेरे मत भरे नैन। हाँ हाँ बिल्कुल। अब उसमें एक स्टार्ट में मेरी छोटी सी वर्स है, फिर आगे से सॉन्ग स्टार्ट होता है। एंड इट्स लाइक हुण मेथों दूर न जावी, बोता ना होर सतावी, मेरे नलाइया परीता हुण लाके टोर चढ़ावी। गर्ल यू गॉट माय हार्ट, आई गिव यू व्हाट आई कैन, आई वांट यू ऑल डे ऑल नाइट, तू है मेरा चैन, तेरे मद भरे ने मिल पैन ते चंद्रा शराब छड़ दे। अच्छा इनके एक फिल्मी दो तीन सॉन्ग्स थे जो बड़े मशहूर थे, और नदीम साहब पे ज्यादा पिक्चराइज हुए हैं, और रॉबिन घोष ने इनको बहुत यूज किया अपने कॉम्पोजिशंस में। स्पेशली इनका जो पहला सॉन्ग मैंने सुना था वो है, मुझे हमारे आर्टिस्ट का नाम भी मसल कर रहा है, गुलाम यदीन साहब का एक सॉन्ग है इनका, वो मेरे फादर ने सुनाया था, तब से आई एम जस्ट लाइक अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। वो सॉन्ग ऐसे है, तन्हाइयों में ढल जाएंगे मेरे दिन रात, तू क्या जाने। हाँ, मुझे अब याद आ गया। इतना ज्यादा इसको प्रमोट नहीं किया था, बट ये अपने टाइम का बड़ा जबरदस्त बहुत अच्छा सॉन्ग है। वंडरफुल वंडरफुल। गाजिया आपको सिंगिंग का बिल्कुल शौक नहीं है? सुनूंगी जरूर, सोच के रखूं जो भी सॉन्ग है। सुनना बहुत पसंद है, गाती नहीं हूँ लेकिन। तो अच्छा, ये जो टिकटॉक पे आप बनाती है वीडियोस, ये इसका कंटेंट क्या होता है? इट्स लाइक रैंडम रैंडम, लाइक कभी अपने जहाँ पे गई उसके रील्स बना दी, उसके अपलोड कर दिया। और सॉन्ग्स पे नहीं बनाती? आई डू मेक ऑन सॉन्ग्स, बट आई डू लाइक अभी उसको नमाज के अंदर एक्ट कर दिया सारा कुछ, अभी गाती नहीं हूँ मैं उसमें। अच्छा, उसमें जो आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग है, क्योंकि नाज़रीन टिकटॉक इस वक्त टॉप पे जा रहा है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म यूट्यूब फोर्थ फिफ्थ पे आ गया, टिकटॉक टॉप पे। टिकटॉक इज वर्ल्ड वाइड, यूट्यूब इज नॉट दैट मच ना। टिकटॉक पे अगर आप यू हैव बीन प्रमोटेड, you probably been promoted on all apps. All apps. Yeah. और जितने advertisements हैं वो भी अब shift हो गए हैं TikTok पे। Yes. जैसे अब आप app खोलते हैं तो चार advertisements होते हैं, उसके बाद आप खोलें। तो उसमें आपके क्या कितने followers हो गए? It's like 113.k. It's like 1,30,000. Yeah. अच्छा lovely. आपके TikTok पे? TikTok में use नहीं करता। आई तो करो ना, तो singers को तो जरूर use करना चाहिए। इस वक्त अगर आपका song जिस तरह देखे ना, ये जो कैफी खलील है, बिल्कुल सच एन अमेजिंग सिंगर, और उसका कितना प्यारा सॉन्ग, इसका ऑलमोस्ट यूट्यूब पे 1 billion से ऊपर चला गया है, इंडिया में ट्रेंडिंग पे जा रहा है। तो इस तरह आपको भी प्रमोट करना चाहिए, आपकी इतनी अच्छी आवाज है। एक्चुअली मैंने जिस आपको बताया ना कि मैंने करने कुछ निकला था, बहुत कुछ साथ स्टार्ट कर लिया, लेकिन एक इन मार्केट मुझे एक अच्छी एक इसकी एक वैल्यू मिली है, लोगों ने जानना शुरू कर दिया,
लेकिन इसका ये हुआ कि हम इतना कॉप्ड अप रहता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉप्ड अप रहता हूँ कि मैं अपनी, मेरी सोशल लाइफ है ही नहीं। अच्छी बात है, उसमें क्या करेंगे आप सोशल लाइफ में, टाइम वेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया सोशल लाइफ में और उसका कोई हासिल वसूल नहीं होता। पीपल जस्ट मेक यू कंफ्यूज्ड, आपको अजीब अजीब चीजें बोलेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर एक दिन आप कहेंगे यार मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया। एग्जैक्टली, और ये सब हो भी चुका है मेरे साथ, तो अब आई एम टोटली, आई एम जस्ट अ वर्कहोलिक गाय। दोनों से एक सवाल है लेकिन आप दोनों की इजाज़त से एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है भाई? मैं मिसेज रुखसाना जफर बात कर रही हूँ। रुखसाना कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मुझे आप बहुत ही अच्छी लगती हैं। थैंक यू, राजनपुर से आप कॉल कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप जो भी सूट पहनती है अच्छा लगता है आपको, आप आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू रुखसाना। तो पहली दफा कॉल कर रही हैं? जी मैं पहली दफा कर रही हूँ, पहले किया था लेकिन आपने उठाया नहीं नंबर। बस मैं क्या करूँ, ये फोन ही मेरा उठा लेते हैं यहाँ से, पता नहीं क्यों ये करते हैं ऐसे। अच्छा, अब उठा लिया था फोन? किसने उठाया था फोन? पता नहीं, गुलदाद भाई ने उठाया होगा। अच्छी तरह बात करते हैं गुलदाद भाई। मैंने आपका ड्रामा देखा था अरूसा। अच्छा, उस गंज से आप मुझे अच्छी लगती हैं। बहुत पहले बहुत शुक्रिया रुखसाना। मैं रुखसाना प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत शुक्रिया रुखसाना। अच्छा, आज का सवाल कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त जो है वो कौन सा है? शीशम का दरख्त। शीशम का दरख्त है। अच्छा, एक और, चलो एक और। पीपल का है या पीपल का दरख्त? पीपल का दरख्त, ठीक है, पीपल या रेशम का? शीशम का, सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच रुखसाना, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजीन राजनपुर से मिली, थैंक यू, आपने मेरी कॉल उठाई है, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने फोन किधर गया है, फोन उठा लेते हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राजनपुर से नाजीन याद आया मुझे अभी कि बाबा की पता नहीं कितनी कोई जमीन थी वहाँ पे राजनपुर में, और वो कोई गया ही नहीं और पता नहीं किसी ने कब्जा कर लिया होगा वहाँ पे। मुझे फिर याद आया, मम्मी प्लीज जरा पेपर्स निकालें, हम किसी दिन राजनपुर की तरफ चलें और चेक करें वहाँ पे कौन जमीन हमारी थी। सो कमिंग बैक टू, अब सुनाओ ना कोई थोड़ा सा, टिकटॉक बनाती गाना नहीं गा रही, चलें कोई भी गाना, नाजिया हसन का, जुनैद जमशेद का, इतने आसान आसान भी सॉन्ग्स हैं। आसान आसान, आई डोंट थिंक सो, मुझे कुछ भी आता है गाना। अच्छा, तो एक्टिंग में किस टाइप की आप रोल्स करती हैं? एक्टिंग में हमने लाइक हर टाइप का किया, सीरियस भी कर चुके हैं अभी, एक चीज का तो हम दोनों इकट्ठे काम किए। अच्छा, दोनों ने इकट्ठे जानते हैं हम दूसरे को। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक हमने इकट्ठे काम किया था, उसमें हमारा सीरीज है, वेब सीरीज, तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस, लाइक वो थोड़ा हैरेसमेंट के ऊपर टॉपिक है, तो उसके ऊपर जब वो अपलोड होगा तो उसका आपको यूट्यूब पे भी जाएगा, सब पे जाएगा, तो सारा कुछ है। तो ये OTT का क्या मतलब है? OTT, ओवर द टॉप। ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म, जैसे अनलाइक नेटफ्लिक्स आ गया है, Amazon। अच्छा, OTT इज अ प्लेटफॉर्म। मैं ओवर द टॉप कहूं, फिर मैं कह रही हूं ओवर द टॉप तो नहीं हो सकता, कुछ और होगा। बट दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड ओवर द टॉप। ओवर द टॉप एंड एक नेटफ्लिक्स है बेसिकली, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने बिल्कुल चीज। अच्छा, ओके, जिसका अब्रॉड से अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनली आते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम है, पाकिस्तान से भी अब उर्दू फ्लिक्स के नाम से भी है, सी प्राइम के नाम से बहुत से आगे हैं। तो इस तरह अब एक vidly.pk के नाम से भी है अब, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा और बहुत बड़े स्केल पे काम जा रहे हैं इनका। कौन देखते हैं ये जगह? मैम आजकल हर कोई देखता है, क्योंकि आजकल देखिए कोई भी चीज़ देखी जाती है सेलफोन पे होता है वो। अच्छा, दूसरी बात ये, इसकी जो वेब सीरीज की ड्यूरेशन है एक एपिसोड की, आई थिंक 10 मिनट्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती? नहीं, होती है, होती है। अब मैं एक वेब सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ विद Vidly TV इंशाल्लाह, तो उसकी जो ड्यूरेशन है पर एपिसोड, दैट इज अराउंड 45 मिनट्स। अच्छा, ओके, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। ओके ओके, तो आपको ज्यादा प्ले रुबाब कौन से रोल्स करना पसंद है? सीरियस अच्छा लगता है मुझे, और सारे जाएंगे जिसमें थोड़ा सा आपको लाइक मोरल भी दे सके, लेकिन फनी भी हमने किए हैं, लाइक टाइप्स ऑफ We have shown Instagram पे आपको ना reels बहुत चलती हैं। अगर आपको Instagram के followers लेने हैं तो you have to have like reels, अच्छे reels हों आपके। तो उसमें हमारा ये होता है कि हम लोग different different चीज़ें दिखाएं, types of stars दिखा देंगे, different different genres के दिखाएंगे, teachers दिखा देंगे, फिर आज के बाद जो है आज का जो trend चल रहा है like डिप्रेशन के और सारा कुछ वो दिखाएंगे। तो ये डिफरेंट फनी वेज में करते हैं ताकि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स वो खत्म होती जाएं, क्योंकि लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करते सोशल मीडिया पे, जस्ट वांट के जल्दी जल्दी ग्रास्प हो सके। या ये भी एक नया है रील्स का, दैट्स वंडरफुल। सो मैं चाहूंगी कि एक तो इनकी
देखो ना आगे नबील well that hurts नहीं honestly मैं बताऊँ मेरा इतना दिमाग कभी-कभी overworked होता है कि मैं एकदम से blank हो जाता है it happens इसको कहेंगे brain fog फॉग हो जाता है सो इनका चल के गाना बल्कि देखते हैं जब तक नाज़रीन मैं जो दाल मुर्गी चढ़ाई हुई है उसको भी चेक कर लूं एक जरा नज़र दौड़ा लेते हैं कि उधर के हो रहा है अच्छा ये कॉटन में एक बात है इसलिए मुझे ये कपड़ा ज़्यादा पसंद नहीं कि इसमें चुन्नटें जो है ना उफ मैंने सोचा था ये दाल ना गलेगी बट ये तो गल रही है भाई ज़बरदस्त नाज़रीन ये जो इसको क्या कहते हैं ये जो ऊपर नीचे जा रहा है ड्रिप जिप सॉरी जिप भी इस वक्त हमारे साथ है चल के नबील का सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं वंडरफुल क्या बात है यार ये शुरू में जो डांस था ये आपने तो नहीं किया मैंने किया मैम अच्छा किया भाई ना जिम जाता है ना उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक बहुत होती है वेरी नाइस ऑल द बेस्ट तो ये अभी कहाँ रिलीज किया ये एक प्लेटफॉर्म है पटारी के नाम से पटारी ओके उनके अच्छा स्पॉटिफाई पे नहीं किया आपने अभी स्पॉटिफाई पे जो मेरा नेक्स्ट जो मैंने भी आपको एनएएस वाला सुनाया था वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्पॉटिफाई पटारी आईट्यून्स इंशाल्लाह सब पे आएगा ओके जबरदस्त नाज़रीन जरूर जाइएगा इनका जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और रुबाब गाना ओके नहीं थोड़ा सा सुनाओ ना ये तो ये हेल्प कर देंगे ना आपके साथ दे देंगे क्या है इसमें आप चलिए आपका उनके साथ गाना है आपने कोई सा भी गाना हो आतिफ का भी गाना है हां आतिफ असलम का लेट्स सी आतिफ असलम ये अली जफर का अल्ले आता है आपको अल्ले अल्ले मुंझा मारेड़ा दिल दिल पाकिस्तानी गा दें चलें चलो इसी में खुश हो जाएं हम लोग ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान yeah very nice जबरदस्त तो रुबाब अब मुझे ये बताएं कि आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अभी और एक कॉल भी है पहले जल्दी से प्रोजेक्ट्स बता दें फिर एक सेकंड अगर कॉल होल्ड कर I'm going to have a photo shoot like I'm going to be having model shoots with Boeing Bazaar it's a production house and that lady has like won Khiraj Tehsin from the Governor of Pakistan Majda Fehmi उनके साथ मेरा शूट्स हैं एंड उसके बाद Majda Fehmi जो कि गिलगित बल्तिस्तान से आ चुकी हैं हमारे शो में जी उनके साथ मेरा शूट्स हैं और उसके बाद जो है मेरा कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मेरी ब्लॉगिंग भी उनके साथ चल रही है एंड देन देयर इज गोना बी शॉर्ट फिल्म्स विद एचएसआर एंड मोर प्रोडक्शन हाउसेस अच्छा ओके ठीक है तो ये आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं नबील आपके टीवी के हवाले से एज अ प्रोड्यूसर जो आप कर रहे हैं ठीक है एज अ प्रोड्यूसर मैं सॉरी होल्ड दैट थॉट या श्योर कॉल ले लो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मिशी कैसी हैं आप मैं ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं आप कौन बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक प्यारी सी परी सी आपके पास बैठी हुई है ना गाजिया रुबाब जी जी मैं इसका फादर हूँ अरे वाह कैसे हैं आप खैरियत से सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है देखिए आपको एक सरप्राइज दूँ मैं जी जी दे आप जिस वक्त लाहौर अल्हम्रा पे काम करती थी ना जी जी तो मैं जेहलम से लाहौर जाया करता था आपका ड्रामा देखने के लिए ये महफिल थिएटर तो नहीं है नहीं 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 महफिल थिएटर में मैंने किया है एक प्ले पूरा 15 दिन का ये उस जमाने की बात है जब ये अपने अमानुल्लाह वगैरह जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ किया था महफिल में उसमें खालिद अब्बास डार थे अमानुल्लाह साहब अल्लाह उनको जन्नत पे जगह दे ये आपके सुहेल अहमद थे उसमें और जारा अकबर थी मैं थी और ईद का ड्रामा था वो 15 दिन का सही है जी तो राजिया से आप ये पूछे ना कि इसको कुकिंग भी आती है ये कोई मैं पूछने वाली थी अभी जो धुआं यहाँ से उठ रहा है मैं यही पूछने वाली थी बनाती है आप इनकी कोई ऐसी बात बताएं जिससे आपको चिढ़ है सबसे ज्यादा तो यही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कुकिंग नहीं आती बिल्कुल भी नहीं कुछ भी नहीं सिवाय दाल बनाने के कुछ नहीं आता आज दाल ही बन रही है आज तो नहीं वैसे माशाल्लाह से इतना कुछ कर रही हैं तो ज़ाहिर है कुकिंग में इतना टाइम नहीं मिलता होगा लेकिन आप इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी बेटी से और माशाल्लाह से मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ काफ़ी अर्सा जी जी
तो जब मैं वापस आया हूँ तो मतलब इसकी सारी अचीवमेंट देखी जी, तो दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी कि इसने चीफ मिनिस्टर का प्राइज भी जीता हुआ है और पता नहीं क्या क्या। चलें, दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। फिर सबसे पहला सवाल मेरा यही था, बेटा किचन का काम भी आता है या कोई? मैं पूछती हूँ अभी, पूछती हूँ। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात तो कर लें उनसे, खुद भी बात करें, बैठी हुई है टेंशन में, करें करें बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा, कैसी हो? ठीक। ये मिशी भी दाल दाल बना रही है ना, उसको दाल बना के दिखाएगा। हाँ, बस वही किस्मत है, आज इनकी के दाल बन रही है, पहली दफा मैं शो में दाल बना रही हूँ और आज ही गाजिया आई है। ये फिर गाजिया से गाइडेंस ले ले आप। बिल्कुल, मैं आप तो मेरे मुझे नंबर ये देंगी कि दाल कैसी बनी है। आपका प्यारी सी कॉल का। हाँ भाई बताओ, खाने में दाल के तो आज तो दाल आई कैन मेक डिजर्ट्स बना सकती हूँ, लेकिन खाने में मुझे टाइम ही नहीं मिला लिटरली। मुझे खाना बना रही थी मामा, मैं लाइक घर के काम कर लेती थी बाकी, लेकिन मामा अगर ये सीख लेती मामा ने ये भी मेरे सर पे डाल दी। अच्छा ये बनाओ, ये भी एक गलती है, कभी किसी को पता चल जाए अच्छी कुकिंग करते हैं बस, तो बस वो कहेंगे भाई खाना तो यही बनाओगी, सारा आपकी क्रिएटिविटी। एंड आई थिंक हर एक जिस तरह मुझे सीने परोने का, मम्मी ने मुझे एक जगह पे डाला था आंटी उस्मानी अल्लाह बख्शे, वो सिलाई कढ़ाई का, उफ मेरे लिए वो छलवार का पैंचा जो है ना, एक हफ्ते में मैंने बनाया, क्योंकि एप्टीट्यूड नहीं था ना सिलाई में। सो ऐसा होता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप वैसे बड़ा अच्छा कर रही हैं। सो नबील, आपको जिंदा रहने के लिए कुकिंग करनी हो तो क्या बना सकते हैं? मैं बहुत अच्छा कुक हूं। अच्छा, क्या बनाते? मैं सबसे पहले तो मैंने जो चीज सीखी थी वो पराठे थे। हाय हाय हाय, पराठों के अलावा बिरयानी हो गई, कढ़ाई हो गई, और जो टिक्का पार्टी वगैरह होती है तो हमेशा जब किसी भी की तरफ चला जाऊं वो कहते हैं इसकी मैरिनेशन से लेके इसको बनाने का काम नबील का। देखा ना, गलती की ना आपने। अच्छा, तो ये के कुकिंग का भी आपको शौक है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन गाजिया, आप इनके साथ काम करती हैं, आपने कुकिंग नहीं सीखी? बैड, ये क्यों हुआ टिक्का पार्टी? अच्छा, मैं अब एक हमारा होता था एक हेडफोन्स वाला, लेकिन वो इस दफ़ा जो है नहीं करते, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगी कि अपार्ट फ्रॉम दिस, एक होता है ना, ये तो आपका काम हो गया, जब आप अकेले होते हैं क्या आपका गाजिया होता है? फ़ोन हटा दें, स्ट्रेस में कैसे, स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं? अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो मैं बहुत लाइक फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, लाइक चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें मैं बहुत खाती हूँ। देन फिर मैं ट्रैवलिंग पर निकल जाऊँगी और एल्स आई विल लिसन टू द म्यूज़िक, बट इट शुड बी अ लाउडर वन। मुझे ऊंचा म्यूजिक सुनना और ये सब ट्रैवलिंग करना, शॉपिंग एंड खाना, ये सब चीज़ें पसंद है, ताकि सब चीज़ें से निकलूँ, क्योंकि मेरा सारा काम राइटिंग और ये सब चीज़ें माइंड का काम है सब। नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो खाना खाता है वो तो पतला नहीं रह सकता है। इट्स जेनेटिकली कि मैं इतनी स्टमार्ट, लेकिन मैं बहुत लाइक मीठा बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं। अच्छा, लाइक रात के 2 बजे 4 बजे जब भी क्रेविंग हो रही है तो मैंने लाइक ब्राउनीज एंड देन लावा केक्स, ये सब कुछ मैंने खाना ही खाना है। तो रात को मिल जाता है? यस, कहाँ पे? लाइक डोमिनोज पे कॉल कर लो, आपको लावा केक आ जाएगा सारा कुछ। सारे पैसे ये जो फूड डिलीवरीज आ रही, मैंने अभी तक कोविड से पहले मेरे ख्याल में किसी रेस्टोरेंट में खाया होगा, और अभी रिसेंटली एक फ्रेंड ने बुलाया था तो भी मैंने बड़े उससे, मैंने बिल्कुल ये चीज़ें बंद कर दी हैं। आई डोंट, बिकॉज आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ, आपको खुद अगर बनाना आता हो तो आप थोड़ा सा खुद भी बना लें नूटेला और ये वो जो है, लेकिन नाज़रीन एक जगह है जहाँ के केक्स, जहाँ की जो भी चीज़ है, पूरा केक रेड वेलवेट का मैंने खा लिया 3 दिनों के अंदर। Layers, bake shop. उफ, मेरे खुदाया नाज़रीन, वो एक ऐसी जगह है जहाँ जाके, क्या क्वालिटी है उनकी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी पैकेजिंग नाज़रीन, जो और बेकरीज में 2500 का केक मिलता है वहाँ पे आपको 1500 का मिलेगा, और उसकी पैकेजिंग आप ऐसी है कि किसी 5-star होटल की। Exactly. जो ओनर्स है ना लाहौर में है, कि मैं उनसे, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूँ, कि क्या उनकी ने सुबह दोपहर शाम रात 12 बजे भी गुजरे हैं तो वहाँ लगता है कि सेल लगी हुई है, इतना रश होता है, कि उन्होंने एक साइकी बनाई है, आई थिंक दोनों ने गेस भी कर लिया कौन सी बेक शॉप है, वहाँ का मीठा इरेजिस्टेबल। सो मुंह में पानी आ गया, बेचारा को वहीं का जाते हुए लूंगी बच्चों को, खाऊंगी जरूर। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
नाजीन हमारे जो इस कैमरे पे होते हैं ना, जो मेरे वाला कैमरा है, उस पे सजाद होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस देखने वाले। अब मैं कह रही हूँ ना, हमारे पास कॉलर है तो आगे से यूँ कर रहा है कि मतलब चला गया है वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? मोहसिन बोल रहा हूँ। मोहसिन साहब किस जगह से? कहाँ से? हेलो हेलो हेलो, चित्राल से। चित्राल से कैसे हैं महबूब साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? सुनो खैरियत से? ठीक ठाक हो? सॉरी, मैं मोहसिन साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे मोहसिन साहब? जी, आप लोगों का प्रोग्राम देख रहे थे, बहुत अच्छा, मैंने कहा शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मेरे दोनों प्यारे मेहमान हैं, गाजिया रुबाब हैं, साथ में नबील हैं। कुछ दोनों को देख रहे हैं, देख रहे हैं दोनों को, लाइफ चल रहा है आपका। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो आज के सवाल का जवाब के पाकिस्तान का कौमी फल, सॉरी कौमी दरख्त कौन सा है? कौमी दरख्त तो बहुत से हैं, मैं आपको कौन सा बताऊं? नहीं नहीं, एक होता है हमेशा कौमी दरख्त। कौमी दरख्त, सॉरी मुझे इतनी पहचान इसके बारे में, माजरा चाहता हूँ, मेरे जहन से चला गया। जहन से चला गया जी। आओ एक गैस मार दें, कितने दरख्त हैं, कोई नाम तो ले दें। क्या ले सकते हैं, दरख्त तो बहुत हैं, लेकिन दरख्त भी कोई सही लगाए ना इंसान। दरख्त भी सही लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ ना, देखो ना, फूल का तो फूल, चमेली फूल, लेकिन दरख्त का दरख्त तो बहुत ही दरख्त है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको दरख्त के बारे में आज पता लग जाएगा जरूर। तो आपका सवाल पे काफी लोगों से चल रहा है, जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है। मैंने कहा जवाब अभी तक सही इसका किसी ने नहीं दिया है। अभी तक किसी ने नहीं दिया, सही कह रहे हैं आप, एक ने दिया है। लाइफ आपका देख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, सही है। मैं अभी आपको बताती हूँ, बल्कि बता ही देते हैं कि कौन सा दरख्त है। क्या टाइम है? ओह, ये तो बहुत टाइम हो गया, कोई बता ही नहीं रहा मुझे। 56 हो गए हैं, 3 मिनट रह गए। व्हाट? ओह माय गॉड, मैं घड़ी नहीं, घड़ी की वजह से हुआ ना जी। देवदार, देवदार का दरख्त है जो कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। नाजीन, दैट्स द राइट आंसर। यार ये तो आज नाजीन, आई एम सॉरी, अब भगदड़ मच गई है, तेज़ कर दें साग को। 3 मिनट रह गए, मैं चाहूँगी नबील, गाजिया को अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी आप? बस ये है कि जो पॉजिटिव वाइब्स हैं लोगों के अंदर, वही सर्च करने की कोशिश करें, जो नेगेटिविटी है उसको सबसे ज़्यादा कम किया जाए, और दूसरों के लाइक पुलिंग में कम से कम टाइम दे के खुद को प्रोडक्टिव बना लें। लेग पुलिंग के बगैर तो मजा नहीं आता में, ये क्या बात है, लेग पुलिंग में सबसे ज्यादा मजा आता है। अच्छा, आप नबील क्या कहना चाहेंगे? बस इतने कहना चाहूंगा कि यार, डू गुड बी गुड, अच्छे रहें, अच्छे बने, लोग साथ अच्छा करने की कोशिश करें। एंड एक चीज बस जो मैं हमेशा हर किसी में देखना चाहता हूँ, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, आपकी लाइफ बहुत सुकून से गुजरेगी, एंड दैट्स अ फैक्ट। ओके, सॉरी, दाल डालने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ नाजीन, आई एम सॉरी, बट दिस इज गोइंग टू बी अ दाल विच यू विल नॉट फॉरगेट एट ऑल। अब हम इसको डाल ही देते हैं, मेरे ख्याल जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो बाद में पूरी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ओके, कैसे डालें हम इसको? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये अब नाजीन इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। वैसे तो गल गई है दाल आज की, अब इन्होंने नंबर देने हैं मुझे। आज थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया, बट कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ये देख लें। वैसे ये दाल इतनी पतली, आप इसके अंदर ही जो हैंड ब्लेंडर नहीं होते आजकल जो आए हैं, वो आप डाल सकते हैं, इट्स ओके। थोड़ी सी अगर रह भी जाए, लेकिन बेसिकली ये गल चुकी है। इसके ऊपर आपने हरा धनिया, और आपकी मर्ज़ी है अगर आपने वो डालना है गरम मसाला, ये हमने इसमें थोड़ा सा ये शामिल कर दिया। तारा दाल मुर्गी सना ने उकाड़ा से, साथ में सलाद भी है, ये आप देख सकते हैं। लेट मी चेक द नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये गीत गाने दे, कसम से बता रही हूँ, टेस्टी टू द मैक्सिमम। ओके, जल्दी का काम शैतान का काम। थैंक यू नाजीन, टेस्ट भाई, अब आप जल्दी से खा के चेक करें, बताएं। हाँ हाँ नाजीन, चावलों के साथ
एक्चुअली गुड मजे की बनी है गाजी आई मी कह रही है नो लिटरली बोल रही है मजे की बनी नाजी हमें आ गया वाइंड अप कम ऑन गेट आउट फ्रॉम हियर ओके अब आप लोगों के साथ एक पिक्चर और फिर उसके बाद थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलना लाइकवाइज नबील आपका शुक्रिया नाजीन आज का शो जो है वो रिपीट में रात को 10:30 बजे आएगा और सुबह 5:30 बजे देखना भूलिएगा वंस अगेन हमारे प्यारे जो आज के मेहमान थे नबील असगर एक्टर सिंगर राइटर आपका बहुत शुक्रिया और गाजिया रुबाब एजुकेशनिस्ट एक्टर और साथ में इन्फ्लुएंसर इनका बहुत शुक्रिया इसी तरह वो प्रोग्राम पसंद करते रहें और इंशाल्लाह मैं आपसे कल सुबह 9:30 बजे लाइव दोबारा से मिलूंगी कल फ्राइडे है कोशिश होगी कि कल जो है वो ऐसी चीज़ बनाई जाए और ज़रा घड़ी ठीक करवा ली जाए सो अपना ख्याल रखें घर वालों का ख्याल रखें मुल्क से प्यार करें टेक केयर अल्लाह हाफिज़ थैंक यू वंस अगेन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद